नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। कानपुर नवीन 3 सितंबर 2020 कानपुर नगर जिलाधिकारी कानपुर नगर द्वारा कोविड फैसिलिटी का औचक निरीक्षण प्रतिदिन किया जा रहा है, जिसके क्रम में आज सुबह 10 बजे गोविंद नगर स्थित इमरजेंसी हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मुख्य विकास अधिकारी डॉ. महेंद्र कुमार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अनिल मिश्रा ने अस्पताल की व्यवस्थाओं के संबंध में निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने निर्देशित करते हुए कहा कि सभी मरीजों का इलाज बेहतर हो, इसके लिए विशेषज्ञ डॉक्टर उपस्थित रहे, मरीजों की लगातार उनके द्वारा निगरानी रखी जाए। जिलाधिकारी ने उपस्थित डॉक्टरों का रोस्ट मांगा। अस्पताल प्रशासन को कहा गया कि भविष्य में मरीजों को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जिलाधिकारी ने निर्देशित करते हुए कहा कि निर्धारित नियत मूल्य पर ही इलाज कराया जाए, किसी भी स्थिति में ओवर बिलिंग नहीं होनी चाहिए। सभी कोविड फैसिलिटी पर निगरानी रखने के लिए स्टैटिक मजिस्ट्रेट द्वारा निगरानी रखी जाएगी। स्टैटिक मजिस्ट्रेट द्वारा ओवर बिलिंग, समस्त व्यवस्थाएं, सीनियर डॉक्टरों का रोस्टर के अनुसार गमन तथा विशेषज्ञ डॉक्टर की उपस्थिति व लिखी तथा अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरों की मॉनिटरिंग की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी कोविड फैसिलिटी में लगे की सीसीटीवी की लाइव फुटेज 0.0 को दी जाए, ताकि वहां से भी निगरानी की जा सके। जिलाधिकारी ने अस्पताल में भर्ती मरीजों से संवाद करने के लिए कहा। इस पर अस्पताल प्रशासन द्वारा भर्ती पॉजिटिव मरीज का नंबर उपलब्ध कराया गया, जिस पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा उनसे बात की गई कि उन्हें कोई समस्या तो नहीं, डॉक्टर बराबर आते हैं कि नहीं। इस पर संबंधित द्वारा बताया गया कि उन्हें कोई समस्या नहीं है, डॉक्टर सुबह शाम आते हैं। कानपुर से वाजिब की रिपोर्ट।